दिल्ली सल्तनत पे पांच वंश का शासन था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसका ट्रिक है, ये ट्रिक दिया हुआ है जो मैं लिखा है ना मेरे ऊपर में, ये ट्रिक है ठीक है, कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। ठीक है, गुलाब वंश के जो संस्थापक, गुलाब वंश के जो संस्थापक थे उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक भी कहा जाता है। गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे ममलुक वंश भी कहा जाता है। और गुलाम वंश का जो शासन था वो 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक रहा ठीक है, और खिलजी वंश का जो शासन है वो 1290 से लेके 1320 तक रहा। और इसके जो संस्थापक, ये संस्थापक का नाम दिया हुआ है, ये जो मैंने नीचे ट्रिक लिखा है ना, ये जो है ये संस्थापक का ट्रिक है ठीक है। कैसे जल गया खिचड़ी बेटा, कैसे से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन खिलजी, ये जो देख रहे हैं आप जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, एक मिनट, और खिचड़ी से खिजर खां और बेटा से बहलोल लोदी। तो खिजर वंश जो है, खिलजी वंश जो है वो स्टार्ट होता है 1290 से और 1320 में खत्म होता है। इसके प्रथम शासक यानी संस्थापक का जो नाम है वो जलालुद्दीन खिलजी है, और मैं जो अंत में लिखा है ये इसके अंतिम शासक का नाम लिखा हुआ है, जो इसमें अंतिम शासक थे ठीक है। अगर बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन क्यूमर्स था ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी, और इसके अंतिम शासक का नाम था नसुद्दीन खिलजी या नसुद्दीन खुसरो ठीक है। उसके बाद आते हैं तुगलक वंश। 1320 में जब खिलजी वंश का समापन हो जाता है तो उसके बाद आता है तुगलक वंश, जो 1320 से लेकर 1414 तक चलता है। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे, इन्हें गाजी मलिक भी कहा जाता है, इन्होंने ही अपना नाम रखा था गयासुद्दीन तुगलक ठीक है। और इसके जो अंतिम शासक हैं उनका नाम है नसुद्दीन महमूद। ये हो गया तुगलक वंश। अब हम बात करते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश के का जो शासक थे, संस्थापक थे, उनका नाम था खिजर खां, और ये शासन जो चला है सैयद वंश का वो है 1414 से लेके 1451 तक। और इसके जो अंतिम शासक हैं उनका नाम है अलाउद्दीन शाह आलम या अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश का जो शासक थे, जो संस्थापक थे, उनका नाम है बहलोल खान लोधी या बहलोल लोधी बोलते हैं, जो 1451 से स्टार्ट होता है 1526 में खत्म होता है। और इसके अंतिम शासक का नाम है इब्राहिम लोधी। आपको पता होगा कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर में लड़ाई होती है, और इसके बाद से पानीपत का जंग होता है। पानीपत की लड़ाई के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद स्टार्ट हो जाता है मुगल शासन, मुगल संस्थापक, मुगल का जो साम्राज्य था वो स्टार्ट हो जाता है पानीपत की युद्ध के बाद, जो बाबर और इब्राहिम लोधी की युद्ध होता है और बाबर जीत जाते हैं इसमें। यहां से गुलाम वंश का शासन खत्म हो जाता है, लोधी वंश का शासन खत्म हो जाता है, तो गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत का समापन हो जाता है लोधी वंश के समापन के साथ साथ में, और मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाता है बाबर के द्वारा है ना। आपको पता होगा कि ये जो लोधी वंश है ये पहला अफगान वंश था। क्या था ये, सब लोग नोट कर लेंगे इसको, लोधी वंश जो था ये पहला अफगान वंश था ठीक है, और ये पहला पश्तून भी था ठीक है, ये पहला पश्तून भी है, नोट कर लेंगे सब लोग, पश्तून ही लिखा हुआ, पश्तून ठीक है ना, ये पहला पश्तून भी था। तो अब क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक थे, खिलजी वंश में कौन कौन से शासक थे, तुगलक वंश में कौन थे, सैयद वंश में कौन थे, लोधी वंश में कौन थे। तो अब हम हर एक नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में गुलाम वंश के सारे शासक का नाम, उनके द्वारा किए गए सारे कार्यों को, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको सारे टॉपिक मिलते रहेंगे, इसी तरह छोटे छोटे क्लासेस आते रहेंगे ताकि आपके जो भी टॉपिक है वो कवर भी होते रहे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे गुलाम वंश के बारे में, जो भी उसके संस्थापक थे और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस क्लास के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है गुलाम वंश। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।